मोदी को चैलेंज नीतीश को पड़ा भारी। सुजदेल कहिले पब्लिसिटी पाई विवादीय बयान, 24 रे आसीबे मोदी। 24 को नहीं आरंभ होई नुआ रणनीति, सरगरम होउछि राज्य राजनीति। नीतीश को विवादीय बयान पर राजनीतिक माहौल रे चर्चा जोर धरी। नीतीश बयान रो प्रतिउत्तर देले सुशील, तेबे समस्त विरोधी दल को गोटे मंच को आनी नरेन्द्र मोदी को चैलेंज देबाको प्रयास आरंभ करिछन्ती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेबे निकटरे आगामी लोकसभा निर्वाचन को नीतीश कुमार कहिथिले जे 2024 लोकसभा निर्वाचन रे विरोधी दल मिलित हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी को परास्त करिब। वर्तमान यार जवाब रे बिहार पूर्वतन उपमुख्यमंत्री तथा बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी दावी करिछन्ती 2024 मसीहा रे नरेन्द्र मोदी जी व्यतीत अन्य केही प्रधानमंत्री होई पारिबे नाही। संसदर शीतकालीन अधिवेशन समय एक जातीय गणमाध्यम को साक्षात करी बीजेपी सांसद कहते 2024 लोकसभा निर्वाचन में मध्य नरेन्द्र मोदी व्यतीत अन्य केही प्रधानमंत्री होई पारिबे नाही। विरोधी एकजुट होउतबा नीतीश करुथबा दाबी उपरे प्रश्न करी सुशील मोदी कहते पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीतीश कुमार जी निर्देश में कांग्रेस जोगदेवे कि नीतीश जी कहीदेले किछि बदलिबो नाही, जहाँ पाखरे 250 रु अधिक आसन थिबो से ही प्रधानमंत्री हेबो। बीजेपी सहित मिलित भावे निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करितला, किंतु नीतीश कुमार को दल मोट 43-44 आसन जितिबारे सक्षम होइतला। एही निर्वाचन फलाफल को नै सुशील मोदी कहिछन्ति जे बिहार रे बहु कष्टरे नीतीश कुमार को दल 44 आसन जितिबारे सक्षम होइतला, सेबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को परास्त करबाको प्रयास करछन्ति। वास्तव में नीतीश कुमार केवल मीडिया लाइमलाइट रे रहिबाको एभली विवृति देउछन्ति बोली सोशल मोदी कहिछन्ति। रिपोर्ट निर्भर सूचना। अधिक अपडेट पाई हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलंतुनी। निर्भय सूचना निर्भय रो सह सबबेले आपनको साथी रे।